आगरा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को देने के लिए भाजपा हाईकमान के आह्वान पर शुरू की गई कमल संदेश पदयात्रा का शनिवार को समापन हो गया। कमल संदेश पदयात्रा के अंतिम दिन छावनी विधानसभा क्षेत्र में इस पदयात्रा का आयोजन किया गया था। छावनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कमल संदेश पदयात्रा का नेतृत्व महापौर नवीन जैन के साथ विधायक जीएस धर्मेश ने किया। कमल संदेश पदयात्रा में भाग लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आए और महापौर नवीन जैन व विधायक जीएस धर्मेश के नेतृत्व में आम लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। ईदगाह बस स्टैंड के निकट स्थित होटल एवरग्रीन से शुरू हुई पदयात्रा ईदगाह नाम ने प्रतापपुर और सदर बाजार होते हुए भाजपा नेता विनय पाटनी के आवास पर जाकर समाप्त हुई। कमल संदेश पदयात्रा के दौरान महापौर नवीन जैन और विधायक जीएस धर्मेश ने ईदगाह और उसके आसपास की सभी कॉलोनियों के बाशिंदों से मुलाकात की। इस दौरान महापौर नवीन जैन और विधायक जीएस धर्मेश ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए योजनाओं के पेम्पलेट भी वितरित किए और इनका लाभ लेने की अपील की। इसके बाद महापौर नवीन जैन और विधायक जीएस धर्मेश के नेतृत्व में पदयात्रा नाम ने प्रतापपुर और सदर के मुख्य बाजारों में पहुंची, जहां व्यापारियों ने महापौर नवीन जैन और विधायक जीएस धर्मेश के साथ कमल संदेश पदयात्रा में शामिल सभी लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इनके साथ ही महापौर नवीन जैन ने विधायक जीएस धर्मेश को साथ लेकर व्यापारियों के साथ संवाद किया और उन्हें मोदी सरकार द्वारा चलाई गई समस्त योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए व्यापारियों से अपने कर्मचारियों को इन